मिलेंगे तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप देख लेना बहुत ज्यादा। एक मुझे बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी ज्वेलरी कलेक्शन की, तो वो भी मैं जल्दी ही बनाऊंगी। अभी मैं बहुत ज्यादा बीमार थी, फीवर था, तो हम सभी बीमार चल रहे थे, इसलिए मैं नहीं बना पा रही थी और बाहर भी हम नहीं जा पा रहे, तो मैंने सोचा आपको चूड़ा कलेक्शन ही दिखा देंगे, क्योंकि बहुत टाइम से मैसेज आते हैं कि आप बनाते नहीं हो। और एक मुझे सबसे ज्यादा आता है कि आप अपनी स्टोरी बताओ, आपकी मैरिज कैसे हुई थी, ये वो सब कुछ, ठीक है, तो वो भी हम जल्दी लाएंगे। तो आज मैंने सोचा आपके लिए चूड़ा कलेक्शन, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको एक एक करके अपने चूड़े दिखाती हूँ। सबसे पहले जो कि मैंने फर्स्ट चूड़ा पहना था अपनी शादी पे, मैं वो दिखाती हूँ, वो गाइस ये वाला है, दिख रहा है गाइस, ये है मेरा फर्स्ट चूड़ा जो कि पहना हुआ, यहां से डालना है इसको, मैं दिखाती हूँ आपको पहना हुआ, कुछ बहुत ही अच्छा लगता है जो। और ये मेरे मामू, उन्होंने मेरे को शादी पे दिया है ना, आ ही नहीं रहा गाइस, ये बहुत अच्छा लगता है, हाथ मोटे हो गए, और इसको मैंने बांध बूंद के रखा है, ये देखो गाइस खुल गया। तो इसको मैंने बांध के रखा था कि मैं आपके लिए व्लॉग ला रही थी। ओ यार इतने प्यारे प्यारे। और गाइस ये मेरे कड़े बैंगल्स जो मैंने डाले थे शादी के टाइम अपने हाथों के आगे, रोकने की 2 मिनट। तो गाइस ये आ गया मेरा फर्स्ट चूड़ा, कमेंट में मेरे को बताना आपको मेरा चूड़ा कैसा लगा, ये वाला भी और भी जो मैं दिखाऊंगी, आप मुझे कमेंट में प्लीज बताना कि आपको मेरा कौन सा चूड़ा अच्छा लगा, मैं आपको और दिखाती हूँ। और ये देखो गाइस मुझे यहाँ पे फेस पे बहुत सारे दाने हो गए हैं क्योंकि मैं बीमार थी इसलिए। तो फिर से आ गया मेरा सेकेंड चूड़ा जो कि ये है, ये भी मुझे गाइस बहुत ज्यादा प्यार लगता है ना, ये अच्छा है ना। गाइज प्लीज प्लीज कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। गाइज मुझे बताना आपको इन दोनों चूड़े में से कौन सा चूड़ा अच्छा लगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। रुको रुको अभी और दिखाती हूँ। उसके बाद आ गया था गाइज मेरा थर्ड चूड़ा जो कि ये वाला, अभी कोई भूल भी है, ये वाला थर्ड चूड़ा था मेरा, ये था मर्जेंटा कलर का। एंड गाइस ये बहुत ज़्यादा प्यारा, बट मैं नहीं डालती क्योंकि ये जो है ना ये कपड़ों के साथ चिपकता और इसके साथ कपड़े ख़राब हो जाते हैं। मैं आपको रेट भी बताती हूँ मैंने कितने कितने के ये चूड़े लिए हुए हैं, और आप मुझे बताना कमेंट में कि कैसे हैं। बस ये बताना आपने, ये भी अच्छा है ना मजेंटा कलर, गाइस ये मजेंटा कलर का। और वो जो मैंने आपको पहले दो दिखाए वो मेहरून कलर के थे, ये मजेंटा कलर का लड़की ना, ठीक कर लो। तो गाइस ये हो गए मेरे तीनों चूड़े, इसके बाद मेरा फोर्थ चूड़ा था शायद रेड है, एनिवर्सरी पे डाला था रेड, और गाइस ये मैंने डाला था अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पे, हाँ ये मैंने फर्स्ट एनिवर्सरी पे डाला था अपनी, ये वाला। और गाइस ये भी बहुत प्यारा है, वैसे मेरे को सर सारे चूड़े अपने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कलेक्शन बहुत अच्छी है इसकी। ये देखो गाइस इतना प्यारा है, शाइनिंग तो देखो अभी तक नहीं की गई हुई, मतलब कि लोगों के चूड़े ऐसे पुराने हो जाते हैं गंदे से, मेरे अभी तक बिल्कुल फ्रेश चूड़े हैं, मैं जो अभी पहनती हूँ ऐसे लगता है कि न्यू ही है। बस ये रेड कलर का है, और मैं आपको पहले इनके रेट्स बता देती हूँ फिर मैं उनके भी बताती हूँ। तो ये वाला मैंने लिया था 1200 का, ठीक है, ये भी मैंने 1200 का ही लिया था सेकंड वाला, और ये 1100 का लिया था ये वाला, ये 800 का लिया था, और फिर मैं वो वाले बताती हूँ। तो ये हो गए मेरे 4-5 हज़ार के, ये बस चार चूड़े, ठीक है। और गाइस बताना आपको कमेंट में ये कैसा लगा, इसके मैं कभी कभी ये वाले कड़े डाल लेती हूँ, कभी ये वाले, इनके भी मैं अलग अलग से डाल ही लेती हूँ कभी कभी, जो भी मुझे अच्छे लगते हैं। एंड उसके बाद आ गया मेरा गाइस थर्ड चूड़ा, जे फिर मैंने शादी के बाद दूसरी करवा चौथ आई थी, ये वाला पहली करवा चौथ पे लिया था ना, तो ये जब दूसरी आई थी तब लिया था। तो ये है मेरा पिंक कलर का चूड़ा, और ये भी सभी बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगता है,
क्योंकि ये भी अभी तक फ्रेश चूड़ा ही है मेरा। शाइनिंग किसी की भी नहीं गई, शाइनिंग नहीं गई भी, बस इसकी ये वाली बाइट वाली बैंगल्स जो थी खराब हो गई। चूड़ा बहुत ही प्यारा है ये भी, बताना आप मेरे को कमेंट में आपको कैसा। यार इसका तो मुझे रेट ही नहीं याद कितने का, शायद से ये भी गाइस 1000 तक कितने का ही है, ये भी 1000 का या फिर 1100 का इतने का ही है। इसका मुझे अभी इतना याद नहीं है, या तो ये 1000 का है या ये 1100 का, ये भी इतने का ही है। एंड ये चूड़ा भी बहुत ज़्यादा प्यारा है क्योंकि ये मेरे हस्बैंड की चॉइस है, पिंक चूड़ा। ये मुझे बोलते हैं पिंक चूड़ा लेना, बट हमने लेना था इससे भी लाइट कलर पिंक में, वो हमें मिला नहीं था उस दिन, फिर उन्होंने ये वाला पिंक दे दिया, फिर हमने ये ले लिया। वैसे बहुत प्यारा है ये भी, इसको मैं इधर रख देती हूँ। तो गाइस ये कितने हो गए, 1 2 3 5 5, और फिर उसके बाद आ गया मेरा 6th वाला चूड़ा जो कि ये है, और ये मेरा सबसे फेवरेट है। मेरा भी फेवरेट है, मिलकर ही लिया था हमने ये। हाँ गाइस ये मेरी ननद आई ही है, हम दोनों गए थे तब लेने, हमने ये लिया था। तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, उसको भी दिखाती हूँ कैमरे में, पहले वो मेरी वीडियो शूट कर रही है। तो उस तो सबसे फेवरेट मेरा ये चूड़ा है, और इसकी शाइनिंग देखो गाइस, मतलब बड़ा कुंदन है ना ये। हाँ ये कुंदन का, वैसे तो मेरे चूड़े 3-4 सभी कुंदन के ही हैं। तो ये मैंने लिया था 1500 का, है ना, बहुत प्यारा गाइस ये। आपको देख के और दो बंदों ने लिया था। नहीं नहीं मुझे इंस्टा, जिस दिन मैंने ये लिया था ना, इंस्टा पे मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे कि आपने ये चूड़ा कहाँ से लिया है, हमें भी बताओ, बहुत प्यारा है ये, बड़े ज़्यादा कमेंट्स आए थे। तो ये मैरून कलर का, क्योंकि ज़्यादा मुझे तो मैरून कलर पसंद है, रेड कलर मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है चूड़े का, क्योंकि ये बड़ा सूट करता है डाला हुआ, और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है गाइस, बहुत ही ज़्यादा, आपको देखने से ही पता चल रहा है। तो उसके बाद आ गया हमारा लास्ट चूड़ा, जो ये मैंने लिया था अपनी एनिवर्सरी पे, सेकंड वाली पे, है ना, मतलब कि पहले एक एनिवर्सरी पे लिया था एक करवा चौथ पे, फिर एनिवर्सरी पे, फिर करवा चौथ पे, और ये वाला मैंने फिर से करवा चौथ पे ही लिया था ये वाला, और ये भी बहुत अच्छा है वैसे। ये ब्लैकिश मैरून है, हाँ ये मैरून है वाइन कलर का, बट गाइस ये मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद है पता है, क्योंकि इसकी ये जो बैंगल्स हैं ना, ये टूट टूट जा रही हैं बार बार, मैंने एक दो बार डाली, बहुत ज़्यादा टूट जा रही हैं ये, जहाँ से पतली है ना निकल जाती हैं ये, बड़ी पतली सी। तो गाइस बताना आप कमेंट्स में आपको ये कैसा लगा, मेरे को तो लग रहा आपको ये भी पसंद आ रहा होगा, नीतू को तो अच्छा लग रहा है ये, है ना। हाँ वैसे प्रिटी है, मेरे को भी पसंद आया था इसलिए मैंने लिया था, शाइनिंग है, लेकिन जब ये मैं अभी मैंने डाला थोड़ी ये करवा चौथ पे डाला, उसके बाद थोड़े दिन डाला एक दो हफ्ता, उसके बाद मैंने उतार दिया, उसके बाद मैंने बैंगल्स डाल ली। अभी मैं इसको अपनी फ्रेंड की शादी में डालूंगी, एक दिन ये डालूंगी एक दिन ये डालूंगी, है ना, ऐसे करूंगी, एक दिन ये डालूंगी। तो गाइस ये मैंने लिया था, ये कितने का लिया था, शायद ये 1100 का लिया था, ये भी 1100 का ही लिया था मैंने, याद तो नहीं है बट ये शायद 1100 का लिया था। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको मेरे इतने सारे चूड़े में से कौन से चूड़े अच्छे लगे, ठीक है, कौन से कलर का चूड़ा अच्छा लगा, और अगर मैं इसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन करूँगी, कौन से नंबर वाले चूड़े का कॉम्बिनेशन, कौन सी बैंगल्स के साथ करूँगी, वो भी मुझे कमेंट्स में बताना, तो फिर मैं वैसे ही डालूंगी इसको। और इसको मैं पिंक चूड़े को, इस ये वाले कड़े हैं ना जो, इसको मैं पिंक बैंगल्स के साथ भी डालती हूँ, और अभी मैं इसके साथ ट्राई करूँगी बाइन के साथ कि ये कैसी लगेंगी, है ना। तो ये वाला भी ट्राई करेंगे पिंक के साथ, कि ये लाइट पिंक बेबी पिंक के साथ कैसा लगता है। तो ये तो मेरा सबसे फेवरेट चूड़ा ही रहेगा ऑल टाइम, मेरे को ये बड़ा पसंद है। और अभी देखूंगी अगर मैंने अपने और चूड़े डालने होंगे तो डालूंगी भी, क्योंकि अभी मेरे 7 चूड़े तो हो गए हैं, तो फिर देखते हैं, अभी मैंने उसको उतारा नहीं है, तो अगर मैंने लेना होगा न्यू लूँगी, अभी मैं हमारी एनिवर्सरी आ रही है तब, अगर मैंने एक को और डालने होंगे मतलब कि, तो अगर मैंने नहीं डालने होंगे तो फिर ये मेरे 7 चूड़े हो गए हैं, तो फिर हम इसको वो कर देंगे जो भी करते हैं चूड़ा बिदाई, फिर उसके बाद मैं बैंगल्स डालूंगी। तो अभी मैं आपको अपने और भी चीज़ें दिखाती हूँ शादी वाली, कलीरे वगैरह, ठीक है, सब कुछ।
तो अगर ब्लॉग ज्यादा लंबा नहीं हुआ होगा तो मैं इसका ऐड कर दूंगी, नहीं अगर हो गया होगा तो फिर इतना ही होगा। चलो मैं आपको अपने वो दिखाती हूँ सब कुछ, मेकअप वगैरह थोड़ा सा। नीतू बना रही है मेरा व्लॉग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो मैंने सोचा चलो अभी आपको नीतू से मिला देते हैं। तो मैंने सोचा अभी मैं आपको कलीरे भी दिखाई देती हूँ अपने, क्योंकि दिखा रहे हैं, तो चलो देखते हैं। आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, एंड अगर चैनल पे तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना यार। देखो इतनी मेहनत से इतनी बड़ी वीडियो बना रही हूँ तो उसका कुछ तो मिलना चाहिए। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब तो करना ही करना जिसने नहीं किया, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। और बहुत ज्यादा व्लॉग्स आएंगे, ज्वेलरी कलेक्शन भी आएंगे। देखो मेरे पास कितनी सारी ज्वेलरीज पड़ी हुई है, ये देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो गाइज मेरे बहुत ज़्यादा व्लॉग्स आएंगे, और ये मेरा सारा मेकअप का पिटारा है। अगर आप मेरे को बोलोगे कमेंट्स में तो मैं आपको ये सब कुछ दिखाऊंगी कि मैं जो भी यूज़ करती हूँ। तो ये मेरी पूरी फुल अलमारी जो है मेकअप की है, ये मेरी नेल पेंट्स, ये लिपस्टिक्स, ब्रशेज वगैरह, ब्रशेज में वगैरह, और ये सब कुछ, ये मैं जो भी यूज़ करती हूँ तो ये सब कुछ आ गया मेरा, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक मैं शेयर करना मत भूलना। तो ये था मेरा मेकअप, और फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग जो है मेरा ज्वेलरी एंड मेकअप का आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ बने रहना, और लाइक मेंशन करना मत भूलना। और मैं शॉर्ट वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ, जो नहीं देखता है वो जाके वो भी देखा करो, बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो चलो हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।